आम समसामयिक भारतीय अर्थनीतिर मौलिक वैशिष्ट्य जोटा पूर्व क्लास रे किसी पॉइंट आम डिस्कसन कर सारू चारोटी पॉइंट आम डिस्कसन कर सारू आउ जहाँ बाकी पॉइंट रहा से सब पॉइंट विषय आज आम डिस्कसन करवा सो कौ कौ पॉइंट रहा फास्ट देखि नापर आम डिस्कसन करवा फास्ट पांच नंबर पॉइंट है व्यापक बेकारी और अर्ध बेकारी तापर छः नंबर पॉइंट है स्वल्प विकसित प्राकृतिक संबल सात नंबर पॉइंट है मानव संबल निम्न गुणात्मक मान आठ नंबर पॉइंट है आय और संपद बंटन में असमानता नौ नंबर पॉइंट है द्वैत अर्थनीति दस नंबर पॉइंट है वैदेशिक वाणिज्य द्रुत अभिवृद्धि यही पॉइंट गुड़िक विषय में आज आम डिस्कसन करवा पूर्व क्लास जो आम डिस्कसन करूँ जे समसामयिक भारतीय अर्थनीतिर मौलिक वैशिष्ट्य माने भारत स्वाधीन होगा पर आज पर्यंत भारत अर्थनीति कौ सब उल्लेखनीय अग्रगति होती सब विषय में आम डिस्कसन करुचु तो चल एम पांच नंबर पॉइंट को डिस्कसन करवा जोटा है व्यापक बेकारी और अर्ध बेकारी फास्ट आम जाना बेकारी क्या कहुए प्रचलित मजूरी इच्छा छाई जो मैंने कार्य करने इच्छा प्रकाश करती ना से प्रकृत बेकारी कहवा जो मैंने कम कर प्रचलित जहाँ मजूरी अच्छे से मजूरी कार्य करने इच्छा न थाए जहाद्वारा कौन हुए ना से कम पाइले कम करने जाते ना तो आम बेकारी बोली कहीपर ना जो मैंने जो मानकर दक्षता थी ता सहित कार्य करने इच्छा थी और प्रचलित मजूरी कम करने चाहूबे से ही आम प्रकृत बेकारी कहवा आर इच्छा नाल कौन हम ना कम पाइले भी सी जीवन आम प्रकृत बेकारी बोली कहीपर ना सो आम ए जानवाजे आम भारत जे व्यापक बेकारी और अर्ध बेकारी सब देखा जा रण मुख्य कारण कौन जे भारत जे देखा जाऊँगी व्यापक बेकारी और अर्ध बेकारी तार मुख्य कारण है उच्च आमर जनसंख्या जे जनसंख्यार चाप आहत आम पाखे पुंजीर अभाव रोची दुईट कारण मुख्य कारण भारत भारत में व्यापक बेकारी और अर्ध बेकारी सब दृष्टिगोचर होती तुमने जाथे दिनकू दिन आम जनसंख्या आशातीत भाव में बढ़ी चलती जे हिसाब से जनसंख्या बढ़ी सारी से हिसाब से जनसंख्या लोक मानी ठीक भाव आमको निजुक्ति सुजोग सृष्टि करने दरकार किंतु भारत में पुंजी गठन सेमती का उल्लेखनीय अग्रगति होना आ भारत सेवा क्षेत्र जो गुड़ाक रहा कलकारखाना और इंडस्ट्री से क्षेत्र में उल्लेखनीय अग्रगति होना जहाद्वारा लोक मैंने जो मैंने रही कौन करेंगे ना कृषि क्षेत्र में जाय करेंगे तो कृषि क्षेत्र में कार्य कले कौन हम ना कृषि क्षेत्र में जी श्रमिक दरकार से श्रमिक कार्य कले ठीक भाव में निजुक्ति मिलला बोली आम कहीपर जदि दरकार ठू अधिक श्रमिक जाठी कम करेंगे तेल आम अर्ध बेकारी कहवा तो से कृषि क्षेत्र में अधिक परिमाण में व्यापक बेकारी और अर्ध बेकारी सब दृष्टिगोचर होती एम देखाजे उन्नीस अनेशत रु दुई हजार मसीह भितर भारत बेकारी संख्या के 2.81% तापर पुणी 2004 रु 5 भितर यह वृद्धि पाई 8.28% रे पहुंची ताले देखो जिते अधिक दिन आम अग्रसर हो भारत व्यापक बेकारी संख्या से अधिक अधिक आगक आृद्धि पाइबार लगी भारतीय अर्थनीति एक समस्या बा भारतीय अर्थनीतिर मुख्य प्रतिबंधक कौन ना व्यापक बेकारी और अर्ध बेकारी एबे आम जानवा जो सेकेंड पॉइंट जोटा है स्वल्प विकसित प्राकृतिक संबल कौन ना स्वल्प विकसित प्राकृतिक संबल तो मैंने समस्त जानवे प्राकृतिक संबल कौन आ प्राकृतिक संबल क्या कहुए जो गुड़िक प्रकृतिर मुक्त अवदान ताकूम प्राकृतिक संबल बोली कहीपर फर एक्जाम्पल कोयला पेट्रोलियम मांगानीज बक्साइड तंबा सीसा एगुड़ा सब है आम प्राकृतिक संबल भितर अंतर्भुक्त भारत में प्रचुर परिमाण में प्राकृतिक संबल देखा मिले भारत में प्राकृतिक संबल गच्छित परिमाण यथेष्ट अधिक किंतु सेगुड़िक कार्य परिणत करने आम पाखे ठीक भाव में टेक्नोलोजी ना प्रजुक्ति विद्या ना उन्नतमान ज्ञानकौशल सब उपलब्ध ना बा पुंजीर अभावे तो सेगुड़ी जदि आम कम लगवा तो कौन करते पड़ो से बड़ बड़ इंडस्ट्री सब प्रतिष्ठा करने पड़ो जहाद्वारा आम से सब जिनस आज कम लगे पारा से पुंजी भी दरकार रही आवश्यकता रही तो तेणु यही सब कारणपाई आमर प्राकृतिक संबल सब निम्न मान मान प्राकृतिक संबल रही सत कि सेगुड़िक उन्नति हो पारना जहाद्वारा भारतीय अर्थनीति कौन हो पचर पड़ी रही जाए
तेणु भारतीय अर्थनीति को जदि आम विकसित अर्थव्यवस्था परिणत करवा कौन करवाक पड़ा नामक जो प्राकृतिक संबल सब रही जोड़ा एवं मुझे मांगानीज बक्साइड लुहापथर अभ्र सीसा तंबा एगुड़ सब आमको सब कार्य उपयोगी निज व्यवहार उपयोगी परिणत करने पड़ो व्यवहार उपयोगी आम केत जिते आम इंडस्ट्री मानक द्वारा नुआ नुआ जिनस सब यातेबाद जाके जिनसगुड़ चाहिदा जथेष परिमाण में बढ़ी पार जहाद्वारा आम अर्थनीति भी उल्लेखनीय अग्रगति आम देखिपर तो ये आम जाजे मानव संबल निम्न गुणात्मक मान जे तार देख मानव तापर एमें पढ़ा जे सेवेन्थ पॉइंट जोटा मानव संबल निम्न गुणात्मक मान तापर आम देखा मानव संबल निम्न गुणात्मक मान मानव संबल समस्त प्रकार समस्त मनुष्य को आम मानव संबल भितर अंतर्भुक्त करूँ तो मानव संबल निम्न गुणात्मक मान कहे कौन बुझ ना भारत में अधिकांश श्रमिक जो मैंने उत्पादन करती से प्रायतः निरक्षर तो ये आम देखिए फास्ट देख भारत में 26% लोक निरक्षर टोटाली पढ़ी लिखी जाणी ना जो मैंने से निरक्षर कह जाए केत परसेंट लोक 26% लोक भारत में निरक्षर प्रायतः से मैंने बाहर दुनिया विषय कौन सब चली आजिकल सब खबर विषय से संपूर्ण अनभिज्ञ आउ कौन ना मानव संबल से उन्नति हो पार जिते ठीक भाव गोटे मनीष सुस्थ रही सुस्थ रीक भाव में पौष्टिकर खाद्य खाइब से जाकी उन्नत मान कार्य प्रदान ठीक भाव में काम करूँ एवं आम देश में कौन है ना 25-40% लोक कुपोषण शिकार होती केते भाग लोक ना 25-40% लोक आम देश में कुपोषण शिकार होती जहाद्वारा कौन हो ना लोक मानक ठीक भाव में पुष्टिकर खाद्य मिल पारना जहाद्वारा से उत्पादन मान भी उच्च हो पारना जहाद्वारा कौन होम अर्थनीति बहुत पछरे पड़ जा तो जदि लोक मानक आम से भाव में तालीम प्रदान करवा कृषक मानक से कौली उपाय चाष करेंगे ता सहित तो चाष सामग्री सब गुड़ उपादान जोगे दबा यही सब कार्य कले आम देशर मानव संबल उन्नत हो पार आद्वारा कौन हो पार ना आम अर्थनीति उन्नतिर चरम सीमार पहुँची पार एवं जाणी जे आय और संपद बंटन असमानता कौन ना आय और संपद बंटन असमानता आय मैंने जाथ इनकम आउ संपद मान मन रखि जहाँ भी सब हो जहाँ तुमको अधिक उत्पादन करें मन रखि था संपद बोली तो भारत में गोटे मुख्य समस्या है धनी और गरीब मध्य पार्थक्य तफात कहीं भारत में अधिकांश लोक धनी जो मैंने धनी से धनी आ जो मैंने गरीब से गरीब कहीं धनी लोक अधिक परिमाण में सब संपद उपलब्ध किंतु गरीब लोक मानते संपद प्रायत ना जदि भी अच्छी बहुत स्वल्प परिमाण में अच्छी कहीं भारत में अधिकांश धनी लोक अधिकांश जमी सब रही जाए आज जो मैंने गरीब लोक रे से पाखे प्रायतः जमी ना आ कहते गले प्रायत बहुत परिमाण में स्वल्प परिमाण में जमी अच्छी सो एम देखा जे 2011 मसीहार मानवीय विकास रिपोर्ट अनुजाई कौन 2011 मसीहार मानवीय विकास रिपोर्ट अनुजाई 5% धनी लोक पाखे मोट जातीय आयर 38% संपत्ति थिला तापर पुणी देखा जे आउ जहाँ रे 60% गरीब लोक से गरीब लोक संपत्ति थिला ना 13% केवल संपत्ति थिला मात्र 5% धनी पाखे जदि 38% संपत्ति रही 60% गरीब लोक मात्र 13% संपत्ति रही ताले एथिरु आमे जानी पर जते भारत रे धनी और गरीबों मध्य तुलना केमती भाव में कर भारत रे धनी गरीब भितर केबे भी समानता परिलक्षित होनाई अवश्य एथिपाई अनेक गुड़ी आईन बा कार्यक्रम कार्यकारी हो सारी सत किंतु सेगुड़िक ठीक भाव में कार्यकारी हो पारिना जहाद्वारा कौन हो ना भारत में धनी और गरीब भितर पार्थक्य देखा जहाद्वारा कौन हो ना गरीब लोक मैंने से तल श्रेणी में गरीब होती धनी लोक मैंने अधिक रु अधिक उन्नति करम अर्थनीति एक मुख्य समस्या सृष्टि कर द्वैत अर्थनीति द्वैत अर्थनीति द्वैत मैंने जाथे दुई जो अर्थव्यवस्था दुई प्रकार उत्पादन कौशल देखा मिले ताको आम द्वैत अर्थनीति कह
जो अर्थव्यवस्था उभय आधुनिक पद्धति में भी उत्पादन कराए ता सहित पुरातन पद्धति में भी उत्पादन कराए ताकूम द्वैत अर्थनीति कहपर भारत अर्थनीति हूँ गोटे द्वैत अर्थनीति कहीं द्वैत अर्थनीति कह आज भी आम देश में काठरे चालित शगड़ देखा मिले आसत आधुनिक जेट विमान जोटा युद्ध क्षेत्र में आमको युद्ध करिवारे साहाज्य करे से देखा मिले तो आम देश में उभय आधुनिक पद्धति भी देखा चाष कर आधुनिक पद्धति भी आम उत्पादन करूँ ता सहित पुरातन पद्धति भी उत्पादन करूँ जमती है कृषि क्षेत्र में ए पुरातन पद्धति आम उत्पादन हो चलुची आ सहित आमर विभिन्न प्रकार नूतन नूतन इंडस्ट्री मान भी प्रतिष्ठा होद्वारा आम अधिक उत्पादन भी करे तो से भारत अर्थनीति को द्वैत अर्थनीतिर आख्या प्रदान करें देखा आम लास्ट पॉइंट जोटा है वैदेशिक वाणिज्य द्रुत अभिवृद्धि कौन ना वैदेशिक वाणिज्य द्रुत अभिवृद्धि वैदेशिक वाणिज्य कहले कौन बुझ ना देश बाहर आम जो सब वाणिज्य कारबार कहूँ आम वैदेशिक वाणिज्य कहू से स्वाधीनता पर ठार् आज पर्यंत आम से वैदेशिक वाणिज्य द्रुत अभिवृद्धि सब पर आसोजित भाव में आम दिन कु दिन अधिक परिमाण में वैदेशिक वाणिज्य आहरी बढ़वे लगी तो देख 2014 मसीह भारत बहिर्वाणिज्य वैदेशिक वाणिज्य के 50% के 50% से 2014 मसीह चीन बहिर्वाणिज्य के 41.5% तेल देख भारत भारत निहाती भाव में ये उन्नतर अच्छी कहीं भारत में आम बहिर्वाणिज्य संख्या के 50% आउ जो देशर जिते बहिर्वाणिज्य जिते अधिक से देश से उन्नत कहीं बहिर्वाणिज्य कले कौन हम आमको अधिक रु अधिक परिमाण में टंका मिल जहाद्वारा आमर जय बढ़ी पार तब देख दीर्घ 70 वर्ष मध्य बहिर्वाणिज्य केसेंट वृद्धि पाई 28% केसेंट वृद्धि पाई 28% तेल एमें स्पष्ट भाव में लक्ष्य करे भारत अर्थनीति जो वैदेशिक वाणिज्य द्रुत अभिवृद्धि सब पर हो स्टूडेंट्स आजिका क्लास समसामयिक भारतीय अर्थनीतिर मौलिक वैशिष्ट्यर किसी पॉइंट डिस्कसन करवाई नहीं सब पॉइंट विषय में आम डिस्कसन कर सारी तो टोटाल भारत जे समसामयिक भारतीय अर्थनीतिर मौलिक वैशिष्ट्य टॉपिक टी आम कम्प्लीट हो जाए नेक्स्ट क्लास रे आमे कौन पढ़ा ना भारत में ढांचागत परिवर्तन कौन सब परिवर्तन होती से विषय आम पढ़ा तो आजिकार क्लास टी जब भल लगे मो वीडियो को लाइक करो आम चैनल।